होता कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। परशुराम जयंती के अवसर पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पटना की बापू सभागार में आयोजित परशुराम जयंती पर उन्होंने कहा कि गलती हर किसी से होती है, उस गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हम आपके साथ हाथ बढ़ाने आए हैं, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, कभी भी आपका विश्वास नहीं टूटेगा। आगे तेजस्वी ने कहा कि अगर हम लोग एक साथ मिल जाएंगे तो हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। आप ये वीडियो देखिए। सभी लोग मंच में, सब लोग, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी उधर काम किया होगा। कई लोग जो है हम साथ रहे हैं, बचपन में भी बिना जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। मत्स्यराज जी हैं, इनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। भले आदमी हैं, उसने कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हो, या कोई भी हो सकता है, हम लोग गाली भी खाए होंगे। लेकिन एक बात तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और जिला में और मकसद से बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज के लिए हम लोग। और जब हम लोग सब लोग एक एक हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा। हम ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन केवल कुछ लोग आए इस काम से सुने कि इस काम से सभी लोग उब गए हैं। बिहार में सरकार नहीं सतर्क चल रही है, पहले से हम 20 से 22 फीसदी वोट
मिला है, लेकिन इस बार हमें 44% वोट मिला है। पहले हम लोगों पर आरोप लगाया जाता था कि एक सीमित वोट मिलने का, लेकिन इस बार हम सभी समाज सभी वर्ग के वोट मिला है। हमें एक ही मुद्दा है, बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी का वादा किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फीसदी राज्य है, 17 साल से ज्यादा एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार में है, लेकिन हमेशा ही पलायन की बात सामने आती है। शिक्षा चौपट है, बेरोजगारी बढ़ गया है और ये डबल इंजन की सरकार विफल है। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आप इससे, आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे डबल इंजन की सरकार पे आरोप लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही नौकरी भी मिलेगी। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज देखते रहिए। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे आ गई थी, धन्यवाद।